हेलो दोस्तों, मैं माला मन्नु की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जा रही हूँ जानकी मंदिर, आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे श्री राम जी भगवान का ससुराल कैसा है। मैं विवाह पंचमी की पूरी जितनी मैं कैप्चर कर सकती हूँ उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि विवाह मंडप कैसा बना है, हमारे रामचंद्र जी का ससुराल कैसा लग रहा है, कितने लोग आए हुए हैं, हमारा जनकपुर धाम कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ और चल करके जनकपुर धाम के विवाह पंचमी का आनंद ले सभी। मैं घर से निकल चुकी हूँ, रास्ते में हूँ और बहुत जल्द मैं जानकी मंदिर भी पहुँच गई। दोस्तों जानकी मंदिर के फर्स्ट कंपाउंड है उसके भीतर मैं पहुँच चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं। मेन गेट में घुसना ही बहुत दिक्कत था, फिर भी मैं आ गई दोस्तों भीतर। देखिए कितना भीड़ है। तो मेन यही है अंदर जाने का गेट और यहाँ पे विवाह मंडप बना है। रात्रि में यहीं पे सीता मैया और रामचंद्र जी का विवाह का कार्यक्रम होगा। यहाँ देखिए ये मेन गेट है और इसी के भीतर आप देख रहे हैं मंदिर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ थोड़ा सा कम हुआ तो मैं भीतर प्रवेश कर रही हूँ। दोस्तों ये बहुत खूबसूरत है, ये मंदिर बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। इसे जितनी खूबसूरत हमारी जानकी माता है उतना ही खूबसूरत ये मंदिर है। भीतर का कंपाउंड भी बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पे ये मंदिर है, मेन मंदिर यही है। इसी में श्री राम जी और जानकी माता बीच में हैं और उनके रामचंद्र जी के तीनों भाई, उनकी पत्नियाँ और यहाँ पे बजरंग बली हैं। ये कंपाउंड के ऊपर वाले टेरिस पे भी देखिए कितने लोग हैं। इसमें भीतर म्यूजियम है तो लोग म्यूजियम घूमने जाते हैं और ऊपर ही म्यूजियम है इसलिए ऊपर से मंदिर का व्यू देख रहे हैं सभी। यहाँ देखिए मंदिर में नक्काशी कितना किया हुआ है, बहुत खूबसूरत है, अद्भुत है ये मंदिर। ज़रूर आइए एक बार जानकी मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये आगे का जो फ्रंट मैंने आपको दिखाया उसी का ये पिछला हिस्सा है, इसी में महंत रहते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको जब मंदिर में प्रवेश कर चुकी हूँ तो परिक्रमा तो बनता है दोस्तों, तो आप भी हमारे साथ मंदिर का परिक्रमा करें। यहाँ देखिए यही म्यूजियम है, इसी से लोग ऊपर जाते हैं। और यहाँ पीछे में जस्ट जनक जी का मंदिर है, सीता जी के पिताजी का मंदिर है। यहाँ भी श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मैं बढ़ती जा रही हूँ, चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना स्पेशियस ये मंदिर है, यहाँ पे अखंड कीर्तन हो रहा है। जब से ये मंदिर बना है तब से यहाँ पे भजन कीर्तन होता रहता है 24 घंटा। दोस्तों यहाँ भी श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। मैं अब मंदिर से निकल रही हूँ दोस्तों, परिक्रमा पूरी हुई हमारी। अब हम लोग चलेंगे 12 बीघा, माता का डोला यहाँ से निकल चुका है और बारात यहीं 12 बीघा से निकलेगा। तो देखिए दोस्तों रोड पे भी कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग हैं। और टेरिस देखिए, सभी टेरिस पे लोग खड़े हैं, जहाँ जिन्हें जगह मिल रहा है वहीं खड़ी होकर के बारात का आनंद ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे डोला है और यहाँ पे रामचंद्र जी सीता जी बने हुए हैं। और बारिश होती है फूल की, काठमांडू से विमान आता है और फूल की बारिश होती है डोला पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ महादेव जी भी हमारे बारात में शामिल हैं। गांव-गांव से लोग आते हैं बारात लेकर के, अपने अपने मंदिर से लोग गाड़ी में गाड़ी को सजा करके बारात लेके आते हैं। भगवान का मूरत बना के लोग लाते हैं, सीता जी जानकी जी बन के। गांव-गांव से बहुत बाराती आता है यहाँ, यहीं 12 बीघा से बारात निकलता है हमेशा, बहुत लंबा बारात होता है। देखिए गांव से लोग ट्रैक्टर से ज़्यादा आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे भीड़ कितना ज़्यादा भीड़ है, आप भी आनंद ले थोड़ी देर। और जगह जगह मैं आपको बताती चल रही हूँ कि कहाँ क्या है। यही 12 बीघा का बड़ा सा फील्ड है दोस्तों, यहीं से बारात निकलता है हमेशा। और बहुत यात्री जो बाहर से आए हुए हैं यहाँ रात्रि विश्राम भी करेंगे दोस्तों। तो 12 बीघा आपने देखा, प्रभु का बारात निकलते भी देखा दोस्तों। अब फटाफट से हम लोग यहाँ से निकले और बारात मार्केट के चारों तरफ से घूमते हुए मंदिर में जाता है। तो मैं यहाँ आ गई दोस्तों, ये मार्केट में बारात आ गई है। और देखिए बारात बहुत लंबा है, बहुत यात्री दोनों तरफ खड़े हैं रोड के, बारात का दर्शन करने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए। डोला आगे निकल चुका दोस्तों, मैं थोड़ी लेट आई हूँ। 12 बीघा से ये मार्केट वाला एरिया थोड़ा सा दूर है, तो
मैं जब तक आई तब तक डोला जो है सो बाहर निकल चुका था दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ पीछे का मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत यहाँ पे सुरक्षा का भी बहुत इंतज़ाम रहता है। और रात का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। विवाह के समय मैं नहीं जा सकी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और मुझे भी थोड़ी परेशानी होती, इसलिए मैं नहीं जा पाई दोस्तों। मैं रात्रि का ये थोड़ा सा व्यू आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है जानकी मंदिर, बहुत खूबसूरत है ये मंदिर। और इसका लाइटिंग का भी बहुत खूबसूरती से अरेंजमेंट किया गया है। देखिए कितना खूबसूरत है। कैसा लगा वीडियो आपको दोस्तों? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।